भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पच्चीस जून वह ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। साल 1975 अपने साथ आपातकाल का काला अध्याय लेकर आया। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। फिर आई तारीख 12 जून 1975, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में सोशलिस्ट नेता राज नारायण की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया जाना था। खुद श्रीमती गांधी कोर्ट रूम में मौजूद थीं। जस्टिस जगमोहन लाल ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी का दोषी करार दिया और उनका चुनाव रद्द करते हुए उन्हें 6 वर्ष तक किसी भी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैसले से इंदिरा गांधी के लोकसभा छोड़कर राज्यसभा जाने का रास्ता भी खत्म हो गया। इंदिरा गांधी के सामने प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वो रास्ता था आपातकाल लगाने का। और फिर 25 और 26 जून की दरमियानी रात को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया। आपातकाल के ड्राफ्ट पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून की आधी रात को हस्ताक्षर किए थे और 26 जून को इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, जिसमें गृह सचिव खुराना ने आपातकाल का घोषणा पत्र कैबिनेट को सुनाया, जिसके बाद कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा लागू कर लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा, आम नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए गए, मनमाने ढंग से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल होने लगा। आपातकाल लागू होते ही मीसा तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये आपातकाल करीब 21 महीने तक चला और इसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल आंका गया।